ये भी बड़ा होपलेस हो गया था ना कि जॉब नहीं मिल रही थी। मंगना गुना है, मेहनत करो, चाहे मजदूर आदमी मेहनत कर रहे हैं तुझे भी करो। वर्ल्ड पे ये साइन लैंग्वेज ऐसे बात करते हैं कि हम यानी कि नॉर्मल पर्सन भी ऐसे बात नहीं करते जितनी ये करता है, इतनी फ्लुएंटली ये करता है ना। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते विरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ और आप देख रहे हैं 9 News HD। पिछले दिनों आपने एक पोस्ट वायरल होती देखी होगी कि एक गाड़ी के अंदर एक शख्स है जो कि डोनट सेल कर रहा है और उसने एक बोर्ड लगाया हुआ है कि वो ना तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। ये पोस्ट वायरल होने के बाद हमारे फैसलाबादी मैदान में उतरते हैं और उनको खूब सपोर्ट करते हैं और ये हमारे माशरे में जिंदा मिसाल है कि आप फिलहाल रिस्क के लिए स्पेशल पर्सन होना भी कोई भी माने नहीं रखता, आप फिलहाल रिस्क कमा सकते हैं। आइए इनके घर वालों से भी बात करेंगे और यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। नाज़रीन कस्टमर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। भाई मुझे ये बताएं कि आपने ये डोनट्स टेस्ट किए हैं और कब से कर रहे हैं? डेली इनके डोनट टेस्ट करता हूँ और माशाल्लाह अच्छे हैं, म्यारी हैं और कीमत भी बहुत मुनासिब है कि बंदा हर बंदा परचेज कर सकता है आसानी से। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये ना तो सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं, आपने जैसे बताया आप यहाँ पे करीब ही रहते हैं तो कभी कोई मसला वगैरह तो नहीं हुआ इनके साथ? नहीं नहीं बिल्कुल कोई मसला नहीं हुआ, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं और भाई बहुत खुद भी बहुत अच्छे हैं और भाई ने काफी ज्यादा इलम हासिल किया हुआ है और कहते हैं ये मेहनत का काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू किया हुआ है। तो ये माशाल्लाह स्पेशल पर्सन होने के बावजूद ये काम कर रहे हैं, तो जो लोग वैसे भीख मांगते हैं या जो लोग वैसे बहाने बनाते हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? उन्हें चाहिए कि वो मेहनत करें जैसे ये भाई मेहनत कर रहे हैं, और भी काफी लोग हैं जो मेहनत करके हक लाल करके फिर कमा रहे हैं। एक और कस्टमर मौजूद हैं, भाई मुझे ये बताएं आप कब से टेस्ट करेंगे? भाई मैं तो डेली खाता हूँ इधर से, मैं भी इधर ही शॉप है हमारी, डेली मैं ट्राई करता हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। उसके पीछे क्या वजह है? ये तो है भी होममेड और आप डेली खा रहे हैं। हाँ इसके पीछे वजह ये है कि ये इनकी वालदा बनाती है, ये खुद नहीं है इनकी वालदा बनाती है, ये भी साथ हेल्प करते हैं, उसने बताया ना क्योंकि हम तो उनसे ज्यादा पीछे ही रहते हैं तो ये डेली बना के लेके आता है। कस्टमर हर कस्टमर आता है आकर खरीदता है काफी, इसके मतलब के सारे मतलब के 2-3 घंटे में ना सारे खत्म हो जाते हैं। एक और कस्टमर हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। सर मुझे ये बताइए कि ये स्पेशल पर्सन है यहाँ पे, ये डोनट्स बेचते हैं, तो इनको कभी कोई मुश्किल का सामना पेश आया हो क्योंकि आप भी यहीं से? जी नहीं कभी भी नहीं आया, अच्छा है और गरीब आदमी है और सुन भी नहीं सकता वो कान से, बोल भी नहीं सकता वैसे, बहुत अच्छा और आप खुद बनाता है और अच्छा स्पेस और अच्छी क्वालिटी है जी। तो लोग यहाँ पे आते हैं कोई तंग वगैरह तो नहीं करता? नहीं नहीं कोई भी नहीं तंग करता, अच्छा लड़का है और इसके साथ जो भी दोस्त तावन करते हैं जो प्यार मोहब्बत है और उसके साथ सब रैश है। तो जितने ये डोनट्स लेके आते हैं सेल कर लेते हैं? जी कर लेते हैं, ये तकरीबन एक आधा 2 घंटे में रहता है चला जाता है तो सेल हो जाती है, अच्छी क्वालिटी और अच्छी प्यार होता है। नासिन एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। बाबा जी माशाल्लाह जेड़े लड़के इतने काम कर रहे हैं ना बारे ताड़ी की राय है? ये मेरा लड़का है, ये मजदूर है कना, तू ये अपनी मेहनत करता है, सानू बड़ी खुशी होंगी है वेख के, बहुत खुशी होंगी, मंगता नहीं किसी के तरला नहीं करता, अपने आप अच्छा करता है, असं अस खुश हाँ। दूसरे लोगों वास्ते की मैसेज देना चाहोगे? दूसरे लोगों वास्ते मैसेज चाहते हैं कि जो कुछ इन्हें लाया है ये तो खरीदो ताकि खुश हो, ठीक है ना। दूसरे लोग भी मेहनत कर, मेहनत कर, मेहनत करनी चाहिए, मंगना गुनाह है, मंगना गुनाह है, मेहनत करो, जिस तरह ये मजदूर आदमी मेहनत कर रहे हैं तुम भी करो, अच्छे भले हाथ पाओ सारा कुछ करने भी नसीब भी सारी अल्लाह ने देती है तुम्हें, भी मेहनत करो जिस तरह मेहनत कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइए आप कब से ये डोनट्स खा रहे हैं और कब से यहाँ पे आ रहे हैं? काफी ये थोड़ी देरी हुई है इसकी दुकान इधर बनी है, मगर बच्चा अच्छा है शरीफ आदमी है तो इसके ग्राहक जो है उनको हम कहते हैं कि आओ इनसे कुछ चीजें खरीदो ताकि इसको को फायदा पहुंचे, ये खुद भी नमाजी भी है और घर में इसका जो वालदा है उसका सास करती है तो और बना उसको बना के सारी चीजें बाहर बेचती है तो किसी से लड़ाई झगड़ा इसका नहीं है, कोई मसला नहीं है और ये काम में बहुत मेहनत करता है, अच्छा है। तो ये स्पेशल पर्सन है, इनको ना तो सुनाई देता है ना ये बोल सकते हैं, तो ये कैसे सारा काम को डील कर? सब इशारे से काम करता है, जो कोई लिखा हुआ है ऊपर और तो लोग देखते हैं तो इनको जरा सपोर्ट करते हैं। आप भी यहीं करीब के रहायशी? करीब से रहायशी। तो आपने कभी कोई ऐसा वाकया देखा होगा कोई शख्स इनको तंग कर रहा हो या इनको कोई मुश्किल पेश आ? कोई तंग नहीं करता है इंशाल्लाह, सब अच्छे हैं, कोई किसी किस्म का पुलिस वाला कोई और कोई आदमी इसको कोई तंग नहीं करता। लोग यहाँ पे सपोर्टिव हैं और इनका सेल इनकी होती है? हाँ जी सेल होती है इनकी,
मगर ये मुनासिब ही है, एक दो जगह पे करता है, यहाँ भी होता है, एक दो जगह और भी है, वहाँ भी जाके ये तो वापस आ जाता है। तो टेस्ट कैसा है, लोगों को रिकमेंड करते हैं कि ये डोनट्स खाएं? यह हाँ जी, टेस्ट इसका अच्छा है। नासिर, इस वक्त मोहम्मद अवैस की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद अवैस साहब खुद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनकी वालदा से जानते हैं कि इनको ये मनफरद ख्याल कैसे आया और इस सारे सफर में इनको क्या क्या मुश्किलें आईं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक। मैम सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना यूनिक आइडिया आपको कैसे आया कि आप घर में डोनट्स बनाएं और बाहर जाके उनको सेल करें? बस ये था ना कि जब बच्चे छोटे थे तो वैसे बच्चे फरमाइश करते हैं मम्मा से कि डोनट्स बना दें, तो बच्चों को बना के दिए, फिर फैमिली वालों ने भी सबने पसंद किए, खाए, टेस्ट अच्छा था सारा कुछ। फिर ऐसे करते करते मतलब ये आइडिया आ गया कि ये फारिग है जो अभी नहीं मिल रही थी, तो चले ये ट्राई करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो माशाल्लाह से मतलब सही जा रहा है हमारा। तो ये आपने आगाज कब किया है? तकरीबन 2 माह पहले, ये गर्मियों की छुट्टियों के बाद। तो आपको आइडिया था कि ये मोहम्मद अवैस जो कि स्पेशल पर्सन है ये संभाल लेंगे सारा कुछ? हाँ जी, पहले इससे हमने बातचीत की तो ये माशाल्लाह से ये एग्री कर गया, क्योंकि ये भी बड़ा होपलेस हो गया था ना कि जॉब नहीं मिल रही थी, तो फिर हमने इसे पूरा बताया कि आप ऐसे लेके जाया करोगे, तो एग्री हो गया। तो इंशाल्लाह फिर एक मतलब के मतलब जाता है रूटीन से ना, खुशी खुशी जाता है। तो ये मोहम्मद अवैस साहब बोल नहीं सकते, आपने बोर्ड लगाया हुआ है, तो उस हवाले से कोई मुश्किल पेश तो नहीं आई? जो ग्राहक है उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया है सारी चीज़? मतलब इसकी मतलब के ये कन्वीनियंट फील करे, इसने खुद ही हमें कहा था कि मुझे ये लिख दें बोर्ड पे, तो फ्लैक्स वगैरह भी बनवाई, उस पर वो साइन बनाया जो इंटरनेशनल साइन है ना, वो डेफ एंड डम बच्चों का, वो बनवा लिया। अब ये कि इजीली मतलब अपना कन्वे कर देता है पैगाम, साइन लैंग्वेज इसे तो आती है, लेकिन मतलब कि अगर इसको समझ नहीं आ रही किसी बात की तो इसने उधर इशारा कर देना कि यहाँ देख लें, तो मतलब इतनी मुश्किल नहीं इसको कुछ पेश आ रही। तो ये आपके बाकी कितने बच्चे हैं और स्पेशल पर्सन सिर्फ मोहम्मद अवैस जी? माशाल्लाह हाँ जी, बाकी 2 बेटियां हैं और ये बड़ा है, तो ये स्पेशल पर्सन यही है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम है? बाई बर्थ ही, हाँ जी बाई बर्थ है। तो ये बताइए कि जो हमारे यहाँ स्पेशल पर्सन होते हैं, दूसरे लोग उनको सही से एक्सेप्ट नहीं करती सोसाइटी और बहुत होपलेस हो जाते हैं उनके पेरेंट्स भी, आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं कि जैसे आपके बच्चे ने घर को भी सपोर्ट कर रहे हैं वो और बाहर जाके चीजें सेल आउट करते हैं? बस यही कहते हैं कोई होपलेस नहीं होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए इंशाल्लाह ताला, बाकी अल्लाह ताला कामयाब करते हैं, होपलेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये मैं डोनट्स का टेक्सचर देख रहा हूँ, माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है और लग ही नहीं रहा ये होममेड है, तो ये आपने कैसे सीखा है? बस ये एक्सपीरियंस कर करके घर में ट्राई कर करके, फिर एक दो जगह से क्लासेस ली मैंने, तो इंशाल्लाह फिर ऐसे परफेक्शन आती गई, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि अब ओके हो गया। तो कीमत क्या है इनकी? कीमत हमारी बहुत रीजनेबल है, 60 एक डोनट की। हाँ जी, मार्केट से तो बहुत ज्यादा मतलब कि हम रीजनेबल प्राइस में दे रहे हैं, अभी स्टार्टअप है, तो इंशाल्लाह ताला वैरायटी भी लाएंगे तो फिर इसको जरा करेंगे। सही, तो एक दिन में कितनी सेल हो जाती है फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन अगर आप लोगों को बताना चाहें? स्टार्ट में तो तकरीबन 30-40 थे, अभी माशाल्लाह से ये 60-70-80 क्रॉस कर गया, हमारा टारगेट है अभी ये 100 से आगे जाइए। तो जब से इनकी पोस्ट माशाल्लाह वायरल हो रही है तब से कितना पॉजिटिव रिस्पांस मिला आप? माशाल्लाह से तकरीबन कह लें कि 90% पॉजिटिव ही है सबका रिस्पांस ना, फैमिली वाले बहुत इनकरेज कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत इसको भी सारे कांग्रेट्स कर रहे हैं कि बहुत अच्छा माशाल्लाह स्टेप लिया है, कि इसको ये कि अच्छा जा रहा है। तो गाड़ी ये खुद चला के जाते हैं? हाँ जी, गाड़ी खुद चला के जाते हैं, तो माशाल्लाह गाड़ी भी चला रहे हैं और ये बेच भी रहे हैं चीजें, तो वहाँ पे स्टॉल पे भी अकेले होते हैं? हाँ जी, अकेले होते हैं। तो कभी कोई मसला प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट नहीं हुई? अल्लाह का शुक्र अब तक तो कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। हाँ जी, मोबाइल के पास होता है खुदा ना खास्ता, अगर कोई इसको थोड़ा बहुत तो हमें कॉल कर देते हैं वीडियो कॉल पे, तो हम फिर इसके बाबा चले जाते हैं, फिर पूछ लेते हैं, कोई ऐसा मतलब अभी तक इस तरह का इशू नहीं हुआ। तो मोहम्मद अब ऐसा खुश है माशाल्लाह से, खुश है। हाँ जी माशाल्लाह, वो जिम्मेदारी से जाता है, खुद को पता है कि सुबह सुबह अर्ली उठना है, सारी यानी कि तैयारी करवानी है मेरे साथ, तो फिर जाता है। तो कितने टाइम से लेके कब तक ये इनके ड्यूटी आवर्स होते हैं और ये कहाँ कहाँ पे जाते हैं? पता है मॉर्निंग में ये लसार स्कूल के बाहर होते हैं, तकरीबन जब सेल हो जाए तकरीबन मैक्सिमम 1.5-2 घंटे में ये वापस आ जाते हैं, और इवनिंग में मस्जिद के सामने, तो अगर अच्छी सेल हो गई है तो 1 घंटे में भी वापस आ जाते हैं, कभी 2 घंटे में, मैक्सिमम इतना ही इसका होता है 2 या 2.5 घंटे। तो अल्लाह का शुक्र है 2-2.5 घंटे में सेल करके आ जाते हैं घर वापस। एक दिन में आप कितने डोनट्स बना रही हैं आजकल? आजकल तकरीबन 80+ ही जा रहे हैं अब, तो कभी वापस नहीं आए, खराब नहीं हुए? एक दो दफा ऐसा हुआ था, लेकिन ये कि वो मतलब कि खराब तो नहीं हुए, वो घर में यूज हो गए, बच्चे माशाल्लाह बाकी बच्चे हैं वो खा लेते हैं,
हाँ जी ये घरेलू खवातीन के लिए बिजनेस कैसा है, आप क्या एक्सपीरियंस किया? हाँ जी, फारी किसी को नहीं बैठना चाहिए, माशाल्लाह से करना चाहिए, इसके पास जो भी स्किल है ना उसको यूज करना चाहिए, बस हाथ पे हाथ रख के बैठने से मतलब कि बेहतर है, कुछ ना कुछ आपको ज्यादा और तो इतना टैलेंट तो होता है, कुकिंग से रिलेटेड हर एक में होता है, तो ये कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो आपको तो पता ही है ना कि आजकल जो जो आपका हाल है कि भाई बहुत मुश्किल है और वर्किंग आवर्स भी बहुत ज्यादा है, सैलरी भी उतनी नहीं होती, तो मैं कहती हूँ कि बिजनेस में फायदा है, चाहे छोटे लेवल पे आप करें लेकिन आपको उसका अच्छा ये निकल के मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। तो जहाँ पे बहुत सारे लोग इनकी तारीफ भी करते होंगे, कुछ लोग होते हैं जो तनकीद भी करते हैं, तो ऐसा कभी मामला पेश आया हो? मतलब ये आके हमेशा से मतलब ये हमें अच्छी बात बताता कि ठीक था, हमने बहुत अप्रिशिएट किया है, कभी इतना ये नहीं, होपलेस नहीं हुआ, मैं भी ये किसी को इसको कुछ ऐसा फेस करना पड़ता तो होपलेस हो जाता, कहता मैंने नहीं जाना, नहीं कि ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ इसके साथ, तो अभी जितनी बातें हमने की हैं वो समझते हैं इन सारी बातें? नहीं समझ नहीं, समझता नहीं है, बस ये फेस एक्सप्रेशन जज कर लेता है, हाँ जी फेस एक्सप्रेशन को होते ना तो उसे ही जज कर लेता है कि कोई किस टोन में बात कर रहा है, कोई गुस्से में है या कोई हैप्पी मूड में है, ऐसे है, आपको तो पता नहीं बात क्या कर रही है, ये नहीं से पता। अभी इनकी कितनी एज होगी? माशाल्लाह 28। माशाल्लाह, बचपन से लेके 28 की उम्र तक इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा? लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया या क्या क्या मुश्किलात पेश आई जो कि आप बताना चाहें? मतलब ऐसा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कूलिंग भी माशाल्लाह इसकी, क्योंकि ये स्पेशल स्कूल में जाता रहा है, कि आम बच्चों को स्कूल में जाता तो शायद इसको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता, स्पेशल एजुकेशन में इसकी एजुकेशन हुई है, फिर ऐसे कॉलेज में भी गया है, 2 साल थर्ड ईयर फोर्थ में भी गया है, एग्जाम भी दिए थे, तो मतलब क्लियर तो नहीं हो सके, लेकिन ये कि जाता रहा है, तो माशाल्लाह से इतना ये सोशल है, इसके तो मतलब कि बहुत इसके कॉन्टेक्ट बहुत हैं, इसके फ्रेंड्स बहुत हैं, उनको फिर वीडियो कॉल पर ये साइन लैंग्वेज ऐसे बात करते हैं कि हम यानी कि नॉर्मल पर्सन भी ऐसे बात नहीं करते जितनी ये करता है, इतनी फ्लुएंटली ये करता है ना कि हम हैरान हो जाते हैं ये देख के, हाँ जी अपने फ्रेंड्स के साथ ये माशाल्लाह सोशल सर्कल काफी अच्छा है बहुत इनका। अच्छा है इसका, हाँ इसके अपने बाबा से बहुत अच्छा है, बाबा उसके तरह वो चूजी से हैं, उनके इतने फ्रेंड नहीं, इसके माशाल्लाह बहुत फ्रेंड्स हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर किसी ने ऑर्डर देना हो तो किस कॉन्टेक्ट नंबर पे वो रابطہ कर सकते हैं? कॉन्टेक्ट नंबर फ्लैट पे मेरा ही है, तो मेरे नंबर पे यू का नंबर है 0331-799-6866। तो वेरी लास्टली आप क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाहती हैं आम पब्लिक को या स्पेशल पर्सन जिनके होते हैं उनके पेरेंट्स को? बस यही कि अगर तो अच्छी जॉब मिल रही है बच्चे को आपको तो वेल एंड गुड, और नहीं मिल रही तो कुछ मतलब कि हाथ पे हाथ रख के ना बैठे, कुछ ना कुछ एफर्ट करें, बाकी नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें, कहते ना अल्लाह ताला ने मांगी है, नतीजा नहीं मांगा मेहनत मांगी है, तो बस मेहनत करें और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, कोशिश मांगी है। बहुत शुक्रिया मैम, और इन्होंने बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अगर आप अपनी मदद करते हो तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करते हैं, और यकीनन जो नतीजा है जो रिजल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में मेहनत होती है। जिस तरह मोहम्मद अवैस मेहनत कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, हमें भी ऐसे ही पॉजिटिवली वर्क करना चाहिए और इस तरह की मजीद कॉन्टेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए और इन लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। फिलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।